वसई विरार के व्यापारियों में दिखी खुशी की लहर। मनपा आयुक्त गंगाधरन डी ने कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक दुकान खोलने की दी अनुमति। फुटपाथ और दुकानों में उमड़ी भीड़। वसई विरार महानगर पालिका की तरफ से 1 जून से कोरोना को देखते हुए व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। वसई विरार में कोरोना महामारी से कुल 87 बच्चों के माता पिता की हुई मौत। 2 बच्चे ऐसे हुए जिनके माँ बाप दोनों नहीं रहे। पालघर के सफाले में पुलिस ने बाजार में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की दंडात्मक कार्यवाही। पालघर के सफाले के कोविड सेंटर पर एंटीजन टेस्ट की हुई शुरुआत। पालघर जिले के बोईसर में विधायक राजेश पाटिल ने रोड के विकास कार्य का किया भूमि पूजन। बहुजन विकास अघाड़ी के अन्य कार्यकर्ता रहे। वसई के वाकीपाड़ा क्षेत्र अंतर्गत युवक ने लगाई फांसी। आर्थिक तंगी से परेशान था युवक। पालघर के सफाले और उबरपाड़ा के ग्राम पंचायत क्षेत्र में 160 नागरिकों को आज कोविड वैक्सीन का लगा टीका। वसई विरार में आज 123 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 4 लोगों की हुई मौत। 976 लोग डिस्चार्ज हुए।